हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लाइवली। मैं आरती आज शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल चटनी की रेसिपी। इस चटनी को आप समोसे के साथ खाएंगे तो समोसे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चटनी मैंने अपने गांव में खाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और समोसे के साथ तो बहुत ही औसम लगती है। तो फ्रेंड्स, इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, ये इमली मैंने भिगोई है, लाल मिर्च और धनिया, खड़ी धनिया। इन सबको मैंने पानी में भिगो कर रखा है करीब 2 घंटे से। आइए अब हम इसको बना लेते हैं फटाफट। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। आपने शायद ही पहले समोसे के साथ ऐसी चटनी खाई होगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेनर में इन सबका पानी निकाल देना है। मिर्च में नीचे बीज होगी, आप उसको अलग ही रहने दें। अब हमें इन सबको इस जार में लेना है। ये जो हमारी इमली है इसके आपको बीजे निकाल कर इसके अंदर डालने हैं। तो मैंने ऑलरेडी बीजे निकाल रखे हैं, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ एक साथ मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में सॉल्ट बताना भूल गई थी, मगर हमें सॉल्ट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, मगर हमें इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। हमें इसको एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे ग्राइंड करना है इसे। बस हमें इतना ही ग्राइंड करना है इसको। आइए अब हम इसको देख लेते हैं। वाह, ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही अच्छी चटनी बनी है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने इसमें लहसुन के छिलके नहीं उतारे थे, बिना छिलके उतारे मैंने इसको भिगोया था और फिर उसके बाद पीसा है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। अगर आप चाहें तो आप छिलके उतार भी सकते हैं।